एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज चंद अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एक ऐसा बिंदु है जो अपनी परीक्षा में तो आता ही है, ले साथ में आगे कंपटीशन एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस बिंदु को ध्यान से समझें। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो का लाभ होता है आपको मिलता रहे। देखिए, आज का बिंदु हमारा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बोलिए कौन सा है बताइए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? अभी आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, आज आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूं। देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, हिंदी वाक्यों में पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, मेन वर्ब बी वन प्लस आईएनजी और पैसिव फॉर्म क्रॉस। अर्थात क्रॉस का क्या मतलब होता है? इस टेंस के अंतर्गत यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती, इसलिए यहां पर क्रॉस आता है। यूजेज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से इस टेंस का यूज हम कब करते हैं, अर्थात इस टेंस का एडवर्ब क्या है, ये हमको ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, इस टेंस का कोई एडवर्ब नहीं होता, इसकी कोई अलग से पहचान नहीं है जिसके आधार पर हम इस टेंस का यूज कर सके। इसमें केवल यही है कि फ्यूचर इंडेफिनिट व प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब मिलकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो समझ में आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट व प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब मिलकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस टेंस के बाद अपना खुद का कुछ नहीं है, थोड़ा किसी और से लिया, थोड़ा किसी और से लिया और अपनी पहचान बना ली। तो देखिए, दोनों के एडवर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या क्या आते हैं? टुमोरो, नेक्स्ट और फॉलोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आते हैं? नाउ, नाउअडे, टुडे, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, इन दिस डे। तो कुछ एडवर्ब इनमें से लेकर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो अब आप इसका यूजेज देखेंगे। इस टेंस का कोई एडवर्ब, इस टेंस का कोई एडवर्ब नहीं होता है, इस टेंस का कोई
एडवर्ब नहीं होते हैं जब वाक्य में टुमोरो, नेक्स्ट व फॉलोइंग, टुमोरो नेक्स्ट व फॉलोइंग के साथ एट दिस टाइम वे एट दिस मोमेंट भी दिया हो, एट दिस मोमेंट भी दिया हो तो इस टेंस का यूज करते हैं, तो इस टेंस का यूज करते हैं। इस टेंस का कोई एडवर्ब नहीं होता है, लिख लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। जब वाक्य में टुमोरो नेक्स्ट द फॉलोइंग के साथ एट दिस टाइम वे एट दिस मोमेंट भी दिया हो तो इस टेंस का यूज करते हैं। समझ आ गया आपके? यानी कि टुमोरो नेक्स्ट फॉलोइंग ये फ्यूचर का संकेत है और एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट ये कंटिन्यूअस का संकेत है, और दोनों संकेत जब आपस में मिलते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाते हैं। एग्जांपल के रूप में आई रिक्त स्थान, फूड एट दिस टाइम टुमोरो, कुक यहां पर हमने लिखा कुक। अब आप देखेंगे आई फूड एट दिस टाइम टुमोरो, यहां पर क्या रहा कुक, तो पहला एडवर्ब क्या है एट दिस टाइम, दूसरा एडवर्ब टुमोरो, दोनों एक साथ मिल गए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो आई के साथ शेल बी और कुक का हो जाए कुकिंग, आई शेल बी कुकिंग फूड। इस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट होता है आई शेल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमोरो। क्या होगा बताइए? नेक्स्ट अगला वाक्य यू रिक्त स्थान एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट इन नेक्स्ट वीक, तो यू एट दिस टाइम, तो क्या होगा ए बुक बीच में लिख देते हैं, यहां पर रीड लिख दिया तो यू के साथ क्या आएगा विल बी, और रीड का रीडिंग यू विल बी रीडिंग ए बुक एट दिस मोमेंट इन नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं है, पिछले टेंस से लेकर इसने अपना पहचान बनाइए, बस इसी के साथ यह बिंदु कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने क्लासमेट्स में अपने जानकार में इसको शेयर करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।